भाजपा ने छत्तीसगढ़ के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मोदी की गारंटी का बजट पेश किया है। इस बजट को पेश करने से पहले केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की विकसित भारत का संकल्प को ध्यान में रखकर सबके हित को शामिल किया है। राजनांदगांव में भाजपा नेता कमल सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी का बजट आया है। बजट में गांव, गरीब, युवा और किसान को विशेष ध्यान में रखा गया है। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़, स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़, आवास योजना के लिए 8369 करोड़, कृषि उन्नत योजना के लिए 10,000 करोड़, नल जन योजना के लिए 4500 करोड़, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 12,000 रुपया वार्षिक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 117 करोड़ और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।